सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीआं ताज़ा खबरां। सब तो पहला सिद्धा रुख करांगे पंजाब दे विच खड़ी हुई दलित पते दे उत्ते सियासत दी। जी हाँ, हुण दलितां दा प्रेम प्यार सियासत दे विच जाग चुक्या, वख वख सियासी बयान बीते दिन दे विच वेखण नूं मिलिया। एक पासे जिथे पूरा मुल्क डॉक्टर भीम राव अंबेडकर दा जन्म दिहाड़ा मना रही सी, उधर दूजे पासे सियासतदानां दे वल्लों सियासी बयान दित्ते जा रहे सी। इस दी शुरुआत की गई सी सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों, पर इसका पलटवार सारिया ही सियासी धरां दे वल्लों कीता गया। इस दे उत्ते सुखबीर सिंह बादल ने शुरुआत इस कदर की है कि सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान कर दिता है कि 2022 दे विच जेकर चोणां दे दरमियान अकाली दल की सरकार बनती आ तो अकाली दल के वलों उप मुख्यमंत्री का चेहरा दलित समाज के विचों लिया जाएगा, जिस तों बाद पूरे पंजाब की सियासत पक्की है तो सारिया धिर ने इसके उत्ते जवाब दिता है। कांग्रेस ने भी इसनों ड्रामा करार दिता है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इतों तक कह दिता। कैप्टन कहते कि अज तक सुखबीर सिंह बादल ने किया की है दलित समाज के लिए वो दसन। इस उत्ते पहला सुखबीर सिंह बादल का बयान सुनते हैं तो उस तो बाद इसके उत्ते आए सियासी प्रतिक्रम सुनावे। आज दे दिन बाबा साहब जी का 130वां जन्म दिहाड़ा है। मैं दो तीन गल्लां मैं ऐलान करना चाहना। एक, जदों श्रोमणी अकाली दल की सरकार पंजाब च आऊगी, परमात्मा मेहर करे थोड़े सारे दे आशीर्वाद नाल, बाबा साहब जी दे आशीर्वाद नाल, परमात्मा दे आशीर्वाद नाल जदों सरकार पंजाब च श्रोमणी अकाली दल दी बनेगी, बाबा साहब जी की याद के नाते एक बहुत वधिया यूनिवर्सिटी बाबा साहब अंबेडकर जी के नाते यूनिवर्सिटी दुआबे विच बनाई जाऊंगी। एक बहुत वधिया यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी राए उन्होंने जो विचार है, उन्होंने सोच है, अपनी नवी पीढ़ी नूं दिती जाऊगी। दूजा वड्डा नाम श्रोमणी अकाली दल, परमात्मा मेहर करे सरकार बनाए ते जो डिप्टी सीएम है असी दलित परिवार चो लेवांगे, एससी परिवार चो असी डिप्टी सीएम। सुखबीर सिंह बादल दे इस बयान के उत्ते वख-वख सियासी तरां दे बयान आने शुरू हो चुके ने। यह सुभाविक रहिंदा कि सियासत दे विच एक दूजे तो वध के जवाब दिते जांदे ने। बयानां दे विच आम लोकां नूं कुछ इस कदर सुपने विखाए जाते हैं जो सुपने कदे कदे ना साकार होंदे भी नज़र आते हैं। इस तरह सुखबीर सिंह बादल ने जिथे उप मुख्यमंत्री दे चेहरा ऐलान दा ऐलान किया, उधर दूजे पासे भाजपा ने उस तो दो कदम उत्ते उठ के ऐलान कर दिता है। भाजपा का कहना है कि पंजाब दे विच जेकर 2022 दे विच भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही दलित समाज के विचों लिया जाएगा। पहला भाजपा का बयान तो उसके उत्ते कांग्रेस का प्रतिक्रम। ऐसा है कि जो तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुख्यमंत्री दलित होएगा तो सारे कहते गलत है। आज सुखबीर जी ने कहा, सुखबीर जी एक गल कैप्टन साहब ने भी कही थी कि दलित भाईचारे तो उप मुख्यमंत्री होएगा। मैं पूछना चाहना उप ही क्यों, मुख्यमंत्री क्यों नहीं होएगा? 38% जिस स्टेट च लगभग कुछ आंकड़े कहते 34%, कुछ आंकड़े कहते 38% आबादी है दलित भाईचारे की, लगभग 30% तो ज्यादा ओबीसी भाईचारे की आबादी है। उस प्रदेश का मुख्यमंत्री केवल एक कास्ट तो ही अज तक क्यों बनता आ रहा? क्यों असी दलित भाईचारे के परिवारों नूं बच्चों नूं मौका क्यों नहीं दे रहे? इस पिछे उप ही क्यों, सुखबीर जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए दलित भाईचारे का? और कैप्टन साहब तुसीं तो झूठ बोलिया सी, उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया सी, लेकिन सरकार जाण दा टाइम आ गया, हजे तक वो काम नहीं हो पाया। मैं कहना क्यों नहीं होएगा? सानू मौका मिले पंजाब दे अंदर नेता बनाने दा,
विधायक दल का, असी भगत चूनी लाल जी विधायक दल का 5 साल नेता रखा और कांग्रेस ने अज तक भी दलित भाईचारे का उप मुख्यमंत्री या दलित भाईचारे का नेता नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी हर भाईचारे का सम्मान करती है और अगर पंजाब के अंदर सरकार बनती है तो दलित भाईचारे का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं समझना इस तो वधिया असी पंजाब की जनता को इंसाफ देने का काम होर कोई नहीं हो सकता। कांग्रेसी आगू राजकुमार वेरका ने इस दे उत्ते प्रतिक्रम दिता है। कांग्रेस आगू राजकुमार वेरका का कहना है कि ये सारिया ही तरह सियासत कर रही ने तो इन्हों के वलों जो सियासी दा खेडे जा रहे हैं 2022 के कामयाब नहीं होने कि भाई अज दलितों प्रभाव वास्ते BJP भी कोशिश कर रही है, अकाली दल भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तुहानू एक गल कह कि किताबों में छपते हैं दलितों की तरक्की के किस्से, हकीकत की दुनिया में ये उनके मन में कदर नहीं है। ये कदर उन्होंने मन दे विच बिल्कुल गरीबों के प्रति नहीं हैगी। और मैं महसूस करता है कि आज BJP ये गल कह रही है कि दलित मुख्यमंत्री पंजाब च क्यों नहीं होना चाहिए, 36% आबादी है ते BJP कह रही है कि पंजाब च दलित मुख्यमंत्री क्यों ना होवे। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਕੁਆਇਟ ਅਲੋਟ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ 5100 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 15000 ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਈ। BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ 2017 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 21000 ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 51000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ 1,95,000 1.95 ਲੋਕ 1,95,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਤੋਂ 200 ਲਿਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2,250 ਤੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਸੀ 2006 ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ 7 ਤੋਂ 12, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋਟ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਬਣਾਊਂਗਾ ਫਲਾਣਾ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, 2 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਟੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ IG ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਮਾਚਾ ਵੱਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਸ ਹੀ ਗੱਠ ਜੋੜਤਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ।
वो बंदा आई जी लैवल का बंदा जिन्हों जानों मारने धमकियां मिलती हो फिर आपकी फोर्स न डिफेंड करना कि काम होंगे वो रक्षा करनी कि काम होंगे उन्हों की सेफ्टी कि काम होंगे होम मिनिस्टर का होम मिनिस्टर कौन है कैप्टन अमरिंदर सिंह सो रल के बहुत सारे मैं कांग्रेसियों के भी फोन आए हैं कहते जी साड़ी तो फटी पुज गई मैं क्या थोड़ी पुजनी सी क्योंकि तुसी, तुसी गुरु साहब की बेअदबी के मामले का आला पाप खट रहे हो तुसी कि उन्होंने उन्होंने दोषियों बरी करवा रहे हो उन्होंने तुसी क्लीन चिट्टा दे रहे हो यह परमात्मा देखता सारा कुछ सो एक कुमर विजय प्रताप के अस्तीफे की पेशकश जा अर्ली रिटायरमेंट की पेशकश ने अकाली दल ते कांग्रसियों के आपस के मिले होने का जड़ा पहला थोड़ा बहुत गल फैली हुई सी हुण तां पक्की हो गई पंजाब के बच्चे बच्चे पता लग गया कि कैप्टन साहब ते जिहड़े केस चलते सी घोटालियां दे बादल साहब जांदे जांदे उन्हां नूं वापस लै गए सीगे 2016 च ते हुण जिहड़े बादल साहब ते चलदे ने वो कैप्टन वापस लै रहा है ये आपस दे विच एक दूजे के एहसानां दे बदले निभा रहे ने ते पिस रही है तो पंजाब दे जिहड़े आम लोग पिस रहे ने जनता पिस रही है जिहड़े इंसाफ भालदे ने वो पिस रहे ने ये तो आपकी मनमर्जी के वकील हारन वास्ते भी कर देंगे ने मनमर्जी के वकील जितने वास्ते भी कर लेंगे ने इन्हां दे सारे फैसले पहले ही होए हुए ने इस अदालत च बंदे बिरख हो गए फैसले सुनदियां सुनदियां सुक गए आखो इन्हां नूं उजड़े घरी जाण होण इह कदों तीक इत्थे बैठे खड़े रहणगे कुछ कहा तो हनेरा जरेगा किमें चुप रहा तो शमादान की कहे ये सुजीत पात्र जी दाइन ने बिल्कुल अ सही साबित हो रही ने कि उ मतलब अदालतों के मूहे खड़े खड़े सुक गए लोग कि इंसाफ मिलू शायद इंसाफ मिलू उम्मीद हैगी सी पर मैं पहले दिनों कहता आ रहा कि कैप्टन तो ना करो उम्मीद इंसाफ की इन्हें नहीं करना ये रले हुए ने यह आपस बस ठंडे बस्ते च पाउणगे सो ये गल लोगों के सामने आ चुकी है तो कुमर विजय प्रताप होरां दी दृढ़ इरादे की उन्होंने जज्बे की और उन्होंने ईमानदारी की असी जी है वो तारीफ करते हैं। भगवंत मान की गल तुसीं सुनी भगवंत मान ने अकाली दल अते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उत्ते रले मिले होण दा इल्जाम लाया ते नाल ही भाजपा नूं भी सियासी रगड़े लाए ने इस दरमियान वादियां लोक इंसाफ पार्टी दे वाह लोक इंसाफ पार्टी ने कुमर विजय प्रताप की रिपोर्ट रद्द होने बाद उन्होंने अस्तीफे के उत्ते निंदा प्रस्ताव पारित किया है कि इसके उत्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है कि कुछ कह रहे हैं सिमरजीत बैंस सुनते हैं। अज दुख से अफसोस है बाकी पांच साल पहला किए वादे परे कर दिए सारे अज वो गुरु जिहड़ा सानू साडे स्वासां तो प्यारा साडी जान तो प्यारा उहदा अंग अंग रूड़ियां दे उत्ते रोलण वाले लोग किनू नहीं पता भी वह दोषी कौन है ते जे एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी ने अपनी जान जोखम च पा के रिपोर्ट तैयार की थी ते तुसी इन्नी कमजोर पैरवाई करो कि रिपोर्ट हाई कोर्ट रद्द कर दे और रिपोर्ट कर परे करके एक नवी एसआईटी गठित करने का फैसला कर दे ते तुसी लॉलीपॉप दो हुण सुप्रीम कोर्ट दे सो असी इस काम की लोक इंसाफ पार्टी घोर निंदा करती है साडा गौरव इतिहास इस गल की वही भरदा कि गुरु के नाल चाहे वह मसा रंगड़ हो एम शाह अब्दाली हो जिन्हें गुरु के नाल मत्था लाया उहदा इतिहास के विच उहदे खानदान का नाम खत्म हो। सीबीएसई के दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए वड्डी खबर है दस दी कि बीते दिनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वल्लों पूरे वख-वख सूबियां के मुख्यमंत्रियों के नाल मीटिंग की गई सी जिसके जरिए उन्होंने कोविड के ताज़ा हालातों को जाणिया है ते प्रीख्यावां नूं लैके वड्डा फैसला लिया गया। सीबीएसई के वल्लों दसवीं दीआं प्रीख्यावां रद्द कर दित्तियां ने अते बारहवीं दीआं प्रीख्यावां नूं मुलतवी कर दिता गया है। 1 जून नूं इन्हां दे उत्ते दुबारा तो चर्चा होएगी अते उस तों बाद इन्हां प्रीख्यावां दे उत्ते फैसला लिया जाएगा। इस दे उत्ते सीबीएसई बोर्ड के पढ़ने वाले विद्यार्थी की सोचते हैं वो तो सुनाने। हम चाहते हैं कि हमारे परीक्षा जल्दी जल्दी हो जाए हमारा जो मतलब जो परीक्षा पे हमने जितना जितना अपना ध्यान लगाया है सारा पूरा हो मतलब हो सके और ये जो सरकार हमें बोल रही है कि ये तुम्हारी परीक्षा के बाद डेट सेलेक्ट करेंगे कि इस तारीख को परीक्षा होगी तो परीक्षा तो होनी चाहिए। क्या माइंड पे प्रेशर है अभी? बहुत प्रेशर है माइंड पे। तो किस तरीके का प्रेशर आप लोग ले रहे हैं? इस साल जैसे हमने ऑनलाइन क्लास ली थी इस चक्कर में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिल नहीं पाई जो हमें स्कूल जाके मिलती थी। जैसे हमारे देश में इलेक्शन हो रहे हैं इसी कारण जैसे सरकार वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग करके रैली करा रही है अपनी ऐसी कारण सरकार ने हमारे बोर्ड भी करा देने चाहिए। हमने तैयारी तो पूरी कर रखी थी और ये टलनी नहीं चाहिए थी हमारे हिसाब से, ये परीक्षाएँ होनी चाहिए थी हमारे हित में तो हैं बट इसके बीच में इलेक्शन भी तो हो ही रहे ना
और उसके बीच में भी जो धरने निकल रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है, तो हमारे पेपर ही क्यों? बट हाँ, हमारे लिए सही है, बट ये पेपर होने चाहिए। हमारे पेपर जैसे टेंथ के पेपर कर दिए ना कि उनके होंगे ही नहीं, उन्हें ऐसे ही पास कर दिया प्रमोटेड, हमें प्रमोट पास नहीं करना चाहिए बस। उधर केंद्र की भाजपा सरकार के वलों SC ST कमिशन का एक वैब पोर्टल लॉन्च किया गया, जिस वैब पोर्टल से सरकी हुण SC ST भाईचारे दीआं दिक्कतां नूं ऑनलाइन ही सुलझाउण की कोशिश होया करेगी। इस उत्ते SC ST कमिशन के चेयरमैन विजय सांपला ने खास तौर पर गलबात की है कि कुछ इस दरम्यान उन्हों का कहना सी, सुनते हैं। देखिए, आज हमारे आयोग का जो हमने जिस दिन अपना ये पदभार ग्रहण किया था उसी दिन हमने घोषणा की थी कि हम बहुत जल्द पोर्टल लॉन्च करेंगे। ये हमारी चुनौतियों में था और मुझे ये अपने अधिकारियों को, अपने सहयोगियों के साथ, बाकी डिजिटल मिनिस्ट्री के साथ ये गर्व भी महसूस होता है कि मैंने वो समय से पूर्व जो कहते हैं कि उसको उस हिसाब से हमने इसको बहुत तेज़ी से किया और आज उसको माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने इसको लॉन्च किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इस पोर्टल के माध्यम से हम गरीब गांव तक, हर आदमी तक, आम जन तक भी पहुंच सकते हैं। गर्व की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के पहले कानून मंत्री बने और आज इस देश के पहले कानून मंत्री रहने वाले महामानव अंबेडकर जी की जयंती पर हमारे आज आदरणीय रविशंकर प्रसाद सिंह जी ने इसका लॉन्च किया, वो भी आज भारत के कानून मंत्री हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, जिस तरह से हम देखिए आज तो ये लॉन्च हुआ है, आदरणीय सांपला जी इसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम उसमें सहयोग करेंगे और ये बात बिल्कुल सही है कि जो भारत का दलित समाज है उसको इस प्रकार के पोर्टल की बहुत आवश्यकता है और ग्रामीण भारत के अंदर एक दलित की झोपड़ी तक न्याय पहुंचाने के लिए, एक स्लम बस्ती तक न्याय पहुंचाने के लिए ये पोर्टल बहुत कारगर साबित होगा। उधर पूरे मुल्क दे विच डॉक्टर भीमराव अंबेदकर का 130वां जन्म दिहाड़ा मनाया गया। इस दिन दे विच पंजाब दे विच भी सरकारी समागम रहे अते पूरे मुल्क दे विच इस दिन सरबकारी समागम जिहड़े ने ओह करवाए गए ने। पंजाब दे सरकारी समागमां दी वख-वख तस्वीरां सामने आईआं ने। एक पासे रूपनगर दे विच विधानसभा दे स्पीकर राणा KP सिंह दे वल्लों इस प्रोग्राम दे विच शिरकत कीती गई अते बाबा साहब भीमराव अंबेदकर नूं याद कीता गया। इस मौके दे उत्ते उहनां दा कहना सी कि जेकर पूरा मुल्क उहनां दीआं दस्सियां होईआं रस्तियां दे उत्ते चले तां पूरे मुल्क दे विच कदे वी किसे नाल नाइंसाफी नहीं होएगी। दुनिया के महान चिंतक, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नूं याद करन लई, श्रद्धा अर्पण करन लई रोपड़ दे विच सरदार शमशेर सिंह राय XMLA, सरदार भाग सिंह जी, इन्हां दी लीडरशिप थले बहुत वड्डा समागम किया गया। मैं अज के मुबारक मौके पर डॉक्टर साहब न भरपूर श्रद्धा के फुल भेंट करता है और ये गल कहनी चाहना है कि अज देश के समाज में जड़िया दरपेश मुश्किल हैं, जिस भंबड़ भूसे असी फसे हैं, वो जवाब, वो निकल का रस्ता केवल तो केवल डॉक्टर अंबेडकर साहब की सोच है। सो मैं उन्होंने भरपूर श्रद्धा के फुल भेंट करता है और परम पिता अगे प्रार्थना करता है कि वह जे महान सपूत भारत माता बार बार जन्म दे ताकि देश सूबा सोहना बन सके, रहन योग बन सके, तो लोगों के भी जरा ना बराबरी का आलम है खत्म। पंजाब इस वेले दे विच इन्ना ही। फिर मुड़ हासिल होने नवीं ताज़ा अपडेट्स के नाल, तद तक लई मैनूं दिओ इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।